गर्मी में अगर वैक्सिंग करना मुश्किल होता है तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए और देखिए कि वैक्सिंग करना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, और वो भी घर पर। तो फर्स्ट टिप्स ये है कि आप मिल्की वैक्स यूज़ किया करो, कोई भी ब्रांड का हो वो चलेगा, पर आप या तो रीका वैक्स यूज़ करो या फिर मतलब जो भी सॉफ्ट वैक्स होते हैं वैसे वैक्स यूज़ किया करो, क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी होते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एसी चलाए हो या नहीं, या गर्मी है या पसीने आ रहे हैं, इससे इन वैक्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंड, अगर आपके बहुत ज़्यादा स्किन से ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो आप फिटकरी लो, उसे पानी में भिगो और अपने पूरे स्किन पे उससे थोड़ा सा रब कर लो, और उसके बाद अच्छे से पानी से क्लीन करने के बाद आपको अच्छे से टैल्कम पाउडर यूज़ करना है और फिर वैक्स को यूज़ करना है। जैसे आप एलोवेरा वैक्स यूज़ कर रहे हो या कोई भी लोकल वैक्स यूज़ कर रहे हो, हनी वैक्स यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप अच्छे से अपने स्किन को क्लीन करो, उसे थोड़ा ड्राई करो, उसके बाद ही वैक्सिंग करो। और वैक्सिंग के लिए आप स्ट्रिप्स ले लो और फिर जिस तरीके से आपके हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको अच्छे से वैक्स को अप्लाई करना है और अपोजिट डायरेक्शन में इसे हटाना है। तो देखिए कितने ईजली निकल जाते हैं सारे हेयर और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये स्टिकी वैक्स होता है तो ये किसी भी मौसम के लिए सुटेबल है, इसमें आपको ये पंगा नहीं आएगा कि गर्मी आ गई या फिर बरसात आ गया तो आप कैसे वैक्स करोगे, ये तो साथ में ही स्ट्रिप्स में ही सारे वैक्स लग के निकल जा रहा है पर सारे हेयर ऐसे ही रह जा रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अगर आप रीका वैक्स या फिर मिल्की वैक्स, कोई भी ब्रांड का, लोकल ब्रांड भी आते हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हो जो सस्ते में भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, तो आपको बस स्टिकी वैक्स यूज़ करना है, मिल्की वैक्स यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे वैक्स के लिंक शेयर कर दिए हैं, स्टिकी वैक्स के, मिल्की वैक्स के, तो आप वहाँ भी जाकर चेक कर लेना। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। सो टिल देन, बाय बाय।